वी हैव अ क्वेश्चन, ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ बैंगल, एक बैंगल की हेल्प से हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, फिर उस सर्कल के आउटसाइड मतलब बाहर एक पॉइंट लेना है। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल, फिर उस आउटसाइड पॉइंट से गिवन सर्कल के ऊपर हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ बैंगल। तो उसके लिए आपके पास कोई भी बैंगल होनी चाहिए। बैंगल को ऐसे पेपर पे रखना है एंड इसे प्रेस कर देना है, ठीक है। प्रेस करने के बाद ऐसे एक सर्कल लगा लेना है। तो ये रहा हमारा सर्कल। अब सेकेंडली हमें क्या करना है, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर एक पॉइंट लेना है, राइट। अब इस पॉइंट से इस सर्कल पे टू टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, लेट से दिस पॉइंट पी। जब हमें किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी गिवन सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करनी होती है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट के साथ। बट इस सर्कल का सेंटर तो हमारे पास है ही नहीं, बिकॉज हमने ये बैंगल की हेल्प से ड्रॉ किया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, इस सर्कल का सेंटर। हाउ वी कैन फाइंड द सेंटर ऑफ गिवन सर्कल, फॉर दैट वी शुड ड्रॉ टू कोर्ड्स ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हमें इस सर्कल में कोई भी दो कोर्ड्स ड्रॉ करनी है, ठीक है। कोर्ड्स क्या होती हैं, सर्कल में कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन ड्रॉ करी जाती है उसे हम बोलते हैं कोर्ड। जैसे कि एक कोर्ड ये होगी इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके, और कोई भी दूसरी कोर्ड जो कि नॉन पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। ये दूसरी कोर्ड, आपको अपनी मर्जी से कोई भी दो कोर्ड्स ड्रॉ करनी है। एंड उसके बाद क्या करना है, इन दो कोर्ड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, गॉट इट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, लाइन के एक एक्सट्रीम पॉइंट पे कंपास की नीडल को रखा एंड कंपास को लाइन के हाथ से ज्यादा ओपन करना है। एंड उसके बाद हमें एक आर्क लगानी है, फिर कंपास को बिना हिलाए, मतलब ना तो कंपास को क्लोज होने देना है और ना ही ओपन होने देना है, ओके। अब इस कंपास की नीडल को इस पॉइंट पे रखा एंड सेकंड आर्क लगा दी। अब यहाँ पर जो दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट इज दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। ये रहा हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन, दैट इज दिस कोर्ड ऑफ द सर्कल। एंड अब सिमिलरली इस कोर्ड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इसके लिए भी सेम प्रोसेस होगा, इस पॉइंट पे कंपास की नीडल को रखा एंड एक आर्क लगा दी, फिर कंपास को इस पॉइंट पे रखा एंड सेकंड आर्क लगा दी। अब इन दोनों इंटरसेक्शंस को आपस में ज्वाइन करना है एंड ये रहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस कोर्ड। एंड अब हमें देखना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आपस में कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये रहा हमारा सेंटर। अब इस सेंटर ऑफ सर्कल को ज्वाइन करेंगे एक्सटर्नल पॉइंट पी के साथ। तो अब क्या करेंगे, अब इस पीओ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। सेंटर पे कंपास की नीडल को रखा और कंपास को लाइन के हाथ से ज्यादा ओपन करके एक आर्क लगाई। अब सिमिलरली कंपास की नीडल को पी पॉइंट पे रखा एंड सेम रेडियस के साथ ये सेकंड आर्क लगा दी। अब इन दोनों आर्क्स के जो इंटरसेक्शंस हैं उनको ज्वाइन कर देंगे। ये इंटरसेक्शन M पे इंटरसेक्ट कर रहा है PO लाइन को। एंड अब हम क्या करेंगे, इस M को सेंटर मान के एंड MO को रेडियस मान के एक सर्कल लगाएंगे। अब देखो MO भी सेम है एंड MP भी सेम है, ठीक है। जब आपको ये सर्कल लगाना है आप रेडियस MP भी ले सकते हो और MO भी ले सकते हो, ओके। तो अब ये दोनों सर्कल्स यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस क्या हैं, ये टेंजेंट्स के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैं, ओके। लेट से दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी। अब हम पी ए और पी बी को आपस में ज्वाइन कर देंगे। ये रही हमारी एक टेंजेंट एंड ये रही हमारी सेकेंड टेंजेंट। तो हमें यही ड्रॉ करना था, पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। इस पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट्स इस सर्कल पे ड्रॉ करना था और हमने कर दिया। एंड अब हमें क्या करना है, हमने जैसे जैसे इस कंस्ट्रक्शन को करते टाइम स्टेप्स किए हैं वही स्टेप्स लाइन वाइज लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था विद द हेल्प ऑफ बैंगल। तो यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल। सेकेंड पॉइंट हमने क्या किया, इस सर्कल की कोई भी दो कोर्ड्स ली एंड उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया। ड्रॉ एनी
टू नॉन पैरेलल कोड्स। देखो जो जो कोड्स हम ड्रॉ करते हैं बस वो पैरेलल नहीं होनी चाहिए आपस में, ठीक है। क्यों नहीं होनी चाहिए? बिकॉज अगर हम दो पैरेलल कोड्स लेंगे तो जब हम उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वो एक दूसरे पे कोइंसाइड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो ये एक सर्कल है, ये इसकी पैरेलल से, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया और इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, तो वो तो एक ही लाइन पे कोइंसाइड कर जाएंगे ना। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो उसके लिए हमें नॉन पैरेलल कोड्स लेनी होती है, ठीक है, ताकि इनके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो आपस में एक पॉइंट पे कट करें, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉ एनी टू नॉन पैरेलल कोड्स ऑफ अ सर्कल। नॉन पैरेलल कोड्स लेने के बाद क्या करना है, उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ दीज कोड्स। एंड ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट पॉइंट ओ। तो यहाँ पर लिखेंगे हम दैट आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर हम एक चीज और लिख देते हैं कि ओ इज अ सेंटर ऑफ सर्कल, क्लियर। यहाँ तक हमने सेंटर फाइंड कर लिया। अब थर्डली हमने क्या किया, थर्डली हमने एक आउटसाइड पॉइंट लिया, टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर एक पॉइंट पी लिया। एंड फोर्थली क्या किया, ज्वाइन पी ओ, यहीं पर लिख दो एंड ज्वाइन पी ओ, पी ओ को ज्वाइन किया। फोर्थ पॉइंट पे लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस पी ओ, इसका परपेंडिकुलर कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट एम पे, तो यहाँ पर लिखेंगे दैट इज इंटरसेक्ट पी ओ एट एम, क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया था, एम को सेंटर मान के एंड एम ओ या फिर एम पी को रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ किया, तो यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर एम एंड रेडियस या तो एम ओ या फिर एम पी। अब ये सर्कल जो हमने ड्रॉ किया, ये गिवन सर्कल को एक तो ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विच इज मीट और इंटरसेक्ट, ओके, यहाँ पर इंटरसेक्ट भी लिख सकते हो, मीट भी लिख सकते हो, विच इज मीट गिवन सर्कल एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है गिवन सर्कल को, ओके। अब सिक्स्थ पॉइंट क्या लिखेंगे हम, ज्वाइन पी ए एंड पी बी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी ए एंड पी बी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, यही हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं। अब हम इसकी जस्टिफिकेशन करेंगे, जस्टिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, इस ए ओ को ज्वाइन करेंगे एंड ओ बी को ज्वाइन करेंगे। एंड आप देखो ये जो एंगल पी ए ओ है ये क्या एक सेमी सर्कल में बन रहा है, तो सेमी सर्कल में जितने भी एंगल्स बनते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल पी ए ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है इसका मतलब ओ ए परपेंडिकुलर है पी ए पर, ओ ए परपेंडिकुलर ऑन पी ए, एंड ओ ए इज रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट, एंड ओ ए इज रेडियस। तो अगर ओ एक रेडियस है एंड ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है पी ए पे, तो इसका मतलब पी ए शुड बी अ टेंजेंट, बिकॉज वी नो दैट रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द टेंजेंट। यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाय दैट पी ए हैज टू बी अ टेंजेंट, एंड सिमिलरली पी बी हैज टू बी अ टेंजेंट। तो ये रही हमारी जस्टिफिकेशन, ये कंस्ट्रक्शन है और ये कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हैं।